तो हम बात करते हैं राउंड करने की। राउंडिंग का क्या ऑप्शंस है एक्सेल में, चाहे वो नंबर की हो या डेसिमल्स की हो। तो हमने यहाँ पे एक नंबर डेसिमल में लिखा, हमारे पास इसको डेसिमल्स को राउंड करने के तीन फॉर्मूले हैं। एक है राउंड, जो कि नियरेस्ट वैल्यू को राउंड करता है। दूसरा आता है हमारे पास राउंड डाउन, राउंड डाउन जो कि डाउन वैल्यू को करता है, डाउन में करता है। जैसे कि 1 2 5 5 6 हुआ, ये आपको देखिए राउंड जो है 26 दे दिया, बट ये आपका 25 ही रहा। एक हमारा होता है राउंड अप, जो कि हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 125.01 भी करूं तो भी ये 26 ही रहेगा। तो राउंड डाउन, राउंड राउंड अप। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर ये समझिए कि आपको पैसा इंटरनली ट्रांसफर करना है तो राउंड फॉर्मूले को लेके चले। अगर आपको पैसा किसी को देना है तो राउंड डाउन लेके चले, और किसी से लेना है तो राउंड अप लेके चले, अप लेके चले। लेकिन अगर हम नंबर्स को राउंड कैसे करें, जैसे कि मान लीजिए कि आप बैंक में एफडी कराने जाते हैं, तो बैंक कहता है कि आपका जो एफडी अमाउंट होगा वो 500 के मल्टीप्लेक्स होगा, मतलब आप 45,265.68 रुपए की एफडी नहीं करा सकते, आप 45,000 की करा सकते हैं या 45,500 की करा सकते हैं। तो एक कैसे नंबर निकलेगा, तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, सेलिंग या सेलिंग मैथ, दोनों एक ही फॉर्मूला है। नंबर को सेलेक्ट कर लिया और सिग्निफिकेंट पे हमने बोला 500, ये 500 की मल्टीप्लेक्स कर दिया अप में, ठीक है। अगर आपको डाउन में करना है तो उसके लिए हम फ्लोर या फ्लोर मैथ का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको डाउन में कर देगा। राइट राइट सर।